चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आज माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारे नर्सेस कर्मचारियों की समस्या है कि 3 और 4 वेतन वृद्धि जो विगत कई वर्षों से ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में दी गई है, अन्य मेडिकल कॉलेज में नहीं दी गई है, जो एक दुर्भाग्य है। क्योंकि एक विभाग है, एक मेडिकल कॉलेज सभी विभाग के अंदर है, तो फिर अन्य कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गई है, इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। दूसरा ये है कि 10,000 रुपये जो COVID-19 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी अप्रैल माह में, कि जो COVID-19 के अंतर्गत प्रदेश के कर्मचारियों को 3 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, वो आज तक आदेश जारी नहीं हुए, इससे भी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। नाम परिवर्तन है उनका, नर्सिंग कैडर का नाम परिवर्तन किया जाए, उसमें कोई खर्चा बहन नहीं हो रहा है विभाग का, शासन का, तो उनका नर्सिंग सिस्टर का और स्टाफ नर्स का नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए, अन्य प्रदेशों में बनाया है। ऐसी हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए तत्काल COVID-19 योद्धा के हित में कार्रवाई करें और उनको इसका जो जायज़ लाभ है उसको दिया जाए, इसलिए हम सब लोग ज्ञापन देने हैं।